हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित माखीजा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैजयंतीमाला क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस किस को ये पहननी चाहिए और कैसे इसको पहन सकते हैं, और आपको एट लास्ट में बता दूंगा कहाँ मिलेगी। तो कुछ नहीं करना, वीडियो आपको देखना है एंड तक, और अब आपको इंटरेस्ट है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी देख लो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस टाइम वेस्ट करे बिना आपका वीडियो चालू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बीच में भी तो लाइक कर देना या पहले कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा है। लाइक तो फ्री में बांट सकते हो आप, कुछ नहीं है, और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को अगर आपको हेल्पफुल लगता है, नहीं तो किसी के साथ शेयर कर देना जिसके लिए ये हेल्पफुल हो, ये सब चीज़ें, ये सब बातें जो ये कंटेंट है इस चैनल का। तो और इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैजयंती माला क्या होती है। तो वैजयंती माला जो है वो वैजयंती के जो फूल होते हैं उसके बीज से बनती है। आप ये घर पे ही बना सकते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल छेद वगैरह होते हैं, और आप ये प्लांट घर में ही उगा सकते हैं और उसके बाद ये खुद तैयार कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे कामों में यूज़ होती है, जैसे आप इसको पहन सकते हैं, आप इससे जो घर में पूजा पाठ या फिर आप हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं या कोई भी पवित्र काम आप घर पे करते हैं तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी के बहुत प्रिय है। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आपको ये ज़रूर पहननी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। या आप श्री कृष्ण की घर पर पूजा करते हैं लड्डू गोपाल रूप में या जिस भी रूप में, तो फिर आप इसको वहाँ रख सकते हैं, अच्छा है, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, श्री कृष्ण को भी अच्छा लगेगा, आप पे ज़्यादा कृपा हो जाएगी। और अगर आप महालक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो आप वैजयंती माला रख सकते हैं, पहन सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। तो बाकी हम जो भी बात करेंगे वो उसमें करेंगे, बेनिफिट्स में सारी इसमें बातें नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि वैजयंती माला के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो वैजयंती माला के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर आपकी मैरिज है, हो गई है, ठीक है, तो अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तनाव मुटाव या फिर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं छोटे मोटे, तो आप दोनों ये पहन सकते हो या रख सकते हो अपने पास, तो उससे इसमें ये हेल्प होगी और आपकी लड़ाई झगड़े कम होंगे। लड़ाई झगड़े से क्या होता है कि गुस्सा ज़्यादा आता है, तो गुस्सा अगर आपको ज़्यादा आता है, मन में शांति नहीं है, छाँ छाँ फूँ फूँ करते रहते हो आप भी, तो फिर आप ये पहन सकते हो, आपकी उसमें ये अंदर ठंडक लाएगी, शांति बनाए रखेगी और आप अच्छे से स्माइली फेस के साथ जॉयफुल घूमेंगे। थर्ड है, अगर आपकी मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि आप कोई भी बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं फुल ऑन, लेकिन वो सक्सेस नहीं, रेट मिल रही है आपको, वो मनी नहीं मिल रही, तो फिर आप वैजयंती माला का धारण कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं शॉप पे या बिज़नेस में या आपके मंदिर में। होपफुली आपको बहुत हेल्प देगा जब भी आपको कोई भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि महालक्ष्मी जी की कृपा बहुत बनी रहेगी क्योंकि वो इनसे प्रसन्न होती हैं जिनके पास ये माला होती है। पर मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं। उसके बाद है कि जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनको तो ये मस्ट रखनी चाहिए। अच्छा, देखो मस्ट कुछ भी नहीं है, मतलब मस्ट इज़ गलत वर्ड, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा अगर आप इसको रख लोगे, क्योंकि आप श्री कृष्ण के भक्त हो और मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हमारे घर पे जो लड्डू गोपाल हैं उनके पास भी हमने ये रखी है। इसके बाद है, जैसे कि मैंने कहा कि ये पॉजिटिव एनर्जी बना के रखती है, तो आप पॉजिटिविटी घर में लाना चाहते हैं तो आप वैजयंती माला रख सकते हैं। और एट लास्ट कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, ठीक है, वो दोष का निवारण आप पंडित जी से पूछ लेना क्या है, लेकिन ये रख सकते हैं और उस दोष में आपकी ये हेल्प करेगी। ठीक है, कोई भी दोष हो, आप कुछ नहीं होता, आप वो दोष की भी पूजा करते रहें और जो भी आपको बताया है वो रूल फॉलो करते रहें, और वैजयंती माला भी आप रख सकते हैं, उसमें ये आपकी हेल्प होगी। तो ये सब थे वैजयंती माला के बेनिफिट्स। अगर कुछ मिस हो गए हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको फिर वीडियो तो नहीं बना सकते लेकिन इस बात पे, लेकिन हाँ ये है कि मैं पिन कर दूंगा कि हाँ यार ये वाला मैं भूल गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि हु शुड फेयर। देखो बेनिफिट्स में ये कवर हो जाता है, हु शुड वेयर फिर भी बोलना सही रहता है, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो मैं बोलूँगा। सबसे पहली बात, अगर आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि मैरिज में जो प्रॉब्लम है वो, और मैरिज नहीं हो रही है उसमें भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वैजयंती माला ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, वो हमें समझ में नहीं आता, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, जो आप रूल फॉलो करने पंडित जी के द्वारा बताए गए वो भी कर सकते हैं। सेकेंड है, अगर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप फुल मेहनत कर रहे हैं पर मनी उतनी नहीं आ रही है, वही आपका टारगेट है, तो फिर आप वैजयंती माला धारण कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी आपकी कृपा करेंगी और आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मन में शांति नहीं है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सब करने के बाद भी मन में उतनी शांति नहीं आ रही, तो फिर आप वैजयंती माला धारण कर सकते हैं, या आपके मन को अशांति से शांति की ओर ले जाएगी। एट लास्ट जो है, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं या विष्णु भगवान के भक्त हैं या माँ लक्ष्मी जी के भक्त हैं, तो वो तीनों इसको धारण करें, बहुत अच्छा है, या अपने पास रख भी सकते हैं मंदिर में, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उनके भक्त हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं, पर आप रखें तो बहुत बेस्ट है। जैसे शिव जी के भक्त जो
हैं वो उनको महादेव बोलते हैं कि वो रुद्राक्ष धारण करने उनके लिए अच्छा है। इसी तरह ये श्री कृष्ण के प्रिय है, आप ये चाहें तो ये भी रख सकते हैं। और एक बात और मैं कन्फ्यूजन अभी क्लियर कर देता हूँ इसी में ही, कि आप दोनों भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि रुद्राक्ष भी और वैजयंती माला भी, ये दोनों आप रख सकते हैं, इनका कोई टकराव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उनका भक्त हूँ तो मैं वही पहनूँ, मैं उनका भक्त हूँ तो वही पहनूँ, सब एक हैं। आप जो भी आपको सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है आप वो ले सकते हैं और वो धारण कर सकते हैं। इसके बाद है कि हाउ शुड वी वेयर। देखो मेरे लिए सब दिन बेस्ट हैं, फिर भी आपके जो इसके रूल है वैजयंती माला का वो मैं बता देता हूँ। तो आपको करना ये है, सबसे पहले दिया लेना है, धूप लेनी है और कुछ फूल लेके श्री कृष्ण विष्णु जी के मंदिर या लक्ष्मी जी के मंदिर, तीनों एक जगह हो तो सबसे बेस्ट है, वहाँ जाना है, माला लेके दिया और धूप जला लेना है, जो फूल हैं वो उनके चरणों में डाल देना है। उसके बाद आपको वैजयंती माला लेनी है हाथ में, तो आपको 108 बार जाप करना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, 108 बार इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद श्री कृष्ण जो भी मतलब भगवान के पास आप हैं उनके चरणों में उसको टच करें थोड़ी देर के लिए, जैसे 2-5-10 सेकंड के लिए। उसके बाद आप इसको धारण नहीं करें, पहले कुछ जो नीडफुल लोग हैं उसको आप दान कर दें, कुछ 1 रुपये से जितना भी आपकी इच्छा हो, जो उनको खाना हो वो, पर दान अच्छा है, आपकी इच्छा है, ये मैं नहीं बोल रहा आपको करना चाहिए, पर बेस्ट है। एट लास्ट पहनना किस दिन है, तो फ्राइडे इज़ बेस्ट डे, जो वैजयंती माला के लिए बताया गया है, फ्राइडे को आप इसको पहन सकते हैं। तो ये सब थे बेनिफिट्स, हु शुड वेयर, हाउ टू वेयर। अब एट लास्ट ये मिलेगा कहाँ, देखो मैंने कहा आप अपने घर में प्लांट्स लगा के उसके बाद इसको बना सकते हैं और पहन सकते हैं। पहला तो ये तरीका हो गया, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे। सेकंड, आपको ये ईजीली आपकी सिटी में मिल जाएगी और बहुत सस्ती मिलती है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी है। जिस सिटी में मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से मिला है मुझे 50 रुपीज़ की मिली, अराउंड यही आपको मिल जाएगी। सेकंड, आप अमेज़ोन से ले सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते या आपको नहीं समझ में आ रहा कि बाहर कहाँ से लाऊँ, तो अमेज़ोन पर आपको मिल जाएगी। थर्ड, आप किसी भी अच्छी रेनोन वेबसाइट से ले सकते हैं, तो इसमें फेक मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं और इसको रख सकते हैं। तो बस यही था वीडियो में कि क्या करना है, वैजयंती माला के बारे में क्या है। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी और मैं उसको पिन कर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि यार तूने ये अच्छा नहीं बोला, तो वो अपन फिर उस पर काम कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और तो क्या करोगे, और तो बस इंस्टा आईडी दिख रही है, आपको फॉलो कर सकते हो और ये वीडियो जिसके साथ शेयर कर सकते हो, जिसको ये मतलब वैजयंती माला के बारे में जानना है, या श्री कृष्ण का भक्त है, विष्णु जी का भक्त है, लक्ष्मी जी का भक्त है, उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हो। तो बस ख़त्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम, टेक केयर, बी विद योर फैमिली, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि और रही क्या ज़िंदगी में। चलो बाय बाय।